हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हम यूनिट नंबर सेकंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पार्ट कर रहे हैं और इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों, तीन इक्वेशन है जिससे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बहुत सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। वो तीन इक्वेशन क्या है वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अगर हम सबसे पहले कंसिडर करें कि कोई कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, कोई ऑब्जेक्ट है और ओ एक्स किसी लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है, ए है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ए है उसका, ओके। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ से अगर उसने चलना स्टार्ट किया t इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद में ए पॉइंट पे लोकेशन और उसकी फिर बी पॉइंट पे लोकेशन, ठीक है। ए पॉइंट पे अगर टाइम इंटरवल t1 के इक्वल है और बी पॉइंट पे टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू t2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी v2, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट x1 और यहाँ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ob वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिलेशन की वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी velocity time relation, velocity time relation, okay, velocity time relation, तो velocity time relation भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, velocity time equation भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, equation, ठीक है, okay। तो we know that by definition हमें पता है कि जो हमारा acceleration होता है वो क्या होता है, वो होता है change in velocity by change in time, ठीक है। तो यानी कि change in velocity यानी कि v2 minus में v1 divide में total time t2 minus में t1, ठीक है। जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी v से v1 से v2 हुई वो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है, ओके। अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ठीक है, a t2 माइनस में t1, इस प्रकार से। अगर इसको नेक्स्ट टर्म में सोल्व करें हम तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस में v1 प्लस में a t2 माइनस में t1, इस प्रकार से, ओके। अगर हम बोलें कि v2 हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, और v1 क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं u से, ठीक है, और t2 माइनस में t1 टाइम इंटरवल है, इसको रिप्रेजेंट करें t से, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बच्चों याद रखना, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है, क्या होता है, टाइम इंटरवल, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी कि सबसे पहला रिलेशन हमारा क्या आया, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और वेलोसिटी है इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस at। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है कि कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दे और एक्सेलेरेशन दे दे, टाइम पीरियड दे दे, हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप किया जाए कि किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉप किया है, ठीक है, क्या किया है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, और वो 5 सेकंड में क्या हो जाता है, या फिर 10 सेकंड में क्या हो जाता है, 10 सेकंड में अर्थ के सरफेस से हीट कर जाता है, ठीक है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी हमने, तो हमें पता है कोई भी ड्रॉप ऑब्जेक्ट होता है उसका एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कहीं कहीं ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। देन हमारे पास क्या है कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी हमने, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, एक्सीलेशन अगर हमने 10 ले लिया, ठीक है, तो यानी कि टाइम पीरियड कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। बच्चों याद रखना, कोई ड्रॉप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या फिर स्टार्ट हो रहा हो, क्या हो रहा, स्टार्ट, ओके, जब भी ड्रॉप होगा स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो, ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, या फिर ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है ना, क्या लग रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, तो उसमें फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी, जीरो होगी, याद रखना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है, पोजीशन टाइम रिलेशन, वी आल्सो नो दैट बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमारी, एवरेज वेलोसिटी वो किसके इक्वल होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट यानी कि x2 माइनस में x1 ओवर में टोटल टाइम, ठीक है, t2 माइनस में
T1 इस प्रकार से ये क्या होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और में टोटल टाइम, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या आ जाएगा टाइम इंटरवल T2 माइनस में T1 इस प्रकार से, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट कि हमें ये भी पता है कि एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो किसके बराबर होता है v1 प्लस में v2 ओवर में क्या हो जाएगा 2, ये भी तो एवरेज है, इनटू में क्या हो जाएगा t2 माइनस में t1, ओके। अब आगे देखिए इसी प्रकार से हमारे पास फर्स्ट रिलेशन में थोड़ी देर पहले हमने v2 की वैल्यू निकाली थी, v2 किसके इक्वल था, v2 इक्वल था v1 प्लस में, ठीक है, a t2 माइनस में t1 के, t2 माइनस में t1 के इस प्रकार से, ओके। यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से हम v2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगी x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या जाएगा v1 तो एज इट इज आएगा बच्चों, और v2 की कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो v2 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी v1 प्लस में क्या आ जाएगा a t2 माइनस में t1 ब्रैकेट, ठीक है, और डिवाइड में क्या था बच्चों इसके कंप्लीट के था 2, ठीक है ना, इस प्रकार से, ओके okay. और इसके इनटू में क्या था, इनटू में t2 माइनस में t1, ये टर्म भी थी इसके इनटू में, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा क्या x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी ये देखना, यहां से v1 2v1, ठीक है, 2v1 प्लस में a t2 माइनस में t1 t2 माइनस में t1 इस प्रकार से, तो ये 2 इसके भी नीचे आएगा और इसके भी नीचे आएगा, ठीक है, और इसके कंप्लीट के इनटू में क्या है t2 माइनस में t1 है इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, यानी कि v1 और इनटू में क्या t2 माइनस में t1 इस प्रकार से, प्लस का साइन क्या आ जाएगा a बाई टू, और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 टाइम हो जाएगा, यानी कि t2 माइनस में t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वही फिर कि अगर हम क्या करें कि x2 माइनस x1 को टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें, क्या करें टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि s, ये क्या होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि क्या होता है u, और ये क्या होता है हमारा टाइम इंटरवल यानी कि t, ठीक है, प्लस में एक्सेलरेशन ओवर में 2, एक्सेलरेशन ओवर में 2, और ये क्या होता है टाइम इंटरवल यानी कि टी, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा क्या है रिलेशन पोजीशन टाइम रिलेशन, क्या है ये पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है और लास्ट है हमारा इसी में पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्या है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है।